वरना उसको रास्ते से हटाना आता है मुझे। ऐसे ही कोई बेनाम सी खोली रास्ता तलाश करते हुए उस तक पहुंच जाएगी। एक महीने के अंदर अंदर अगर मैंने तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर ना फेंक दिया ना, तो मेरा नाम भी कशफ नहीं। अपू किसको फोन कर रहे हैं? वो हादिया को बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। हो सकता है आप ही बिजी हो। कहाँ बिजी होगी वो बेटा, शाम से मेरा दिल घबरा रहा है, सोचा उससे बात कर लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। उस लड़की ने तो यहाँ ना आने की कसम खाई। कहाँ बिजी है ये लड़की? अबू आप ही सो रही होंगी, आप सुबह ट्राई कर लीजिएगा। पता नहीं बेटा। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो। आप ही आप अबू का फोन क्यों नहीं उठा रही? बहुत मुश्किल से समेटा है खुद को, दोबारा बिखरना नहीं चाहती। और वैसे भी अबू पहले ही बहुत परेशान है मेरी वजह से। आप ही क्यों जिद कर रही हैं आप वहां रहने की? आ जाए ना हमारे पास। करने जैसा कुछ है ही नहीं मानी। बहुत से गुमान पाल रखे थे मैं, जिनमें से एक ये भी था कि अगर इनाया था ना तो शायद अगली सांस भी ना आए मुझे। लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ वैसा ही, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तो नहीं है वो इस लायक आप ही कि आप उनसे इतना प्यार करें, अपनी खुशी का ख्याल करें, अपने लिए जिएं। अपना ही तो कुछ नहीं रहा, मेरा दिल, मेरी सोच, मेरी बातें सब उसका है। मैं चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकती उससे। नहीं हूं मैं उस जैसी, यूं एक पल में अलग कर दूं और ये भी ना सोचूं कि मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। रहना पड़ेगा आपको, आप ही रहना पड़ेगा, बल्कि दिखाइए उन्हें कि आप उनके बगैर खुश रह सकते हैं। मेरी खुशी, खुशी का मतलब सिर्फ सिर्फ नायत। कहीं सुना था जिंदगी एक दर्द है और दर्द में मजा है, तो बस मैं भी मजे में हूं।
बस कोशिश करना कि अब्बू फिलहाल मुझे कोई कॉल ना करे। आप ही अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे? बात ही नहीं करोगे मुझसे? तुम और हादी मेरे लिए बराबर। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बिहेवियर उसके साथ अच्छा रखो। मेरे बिहेवियर से अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हादी आज से मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी दोस्त रहेगी, और इसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। नहीं होगा नाराज। मेरे लिए क्या लेके आया दिखाओ ना। सॉरी बोली क्या? ये तुम्हारे लिए। कैसा लगा? ये कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत। बहुत अच्छा है ये। तुमसे ज्यादा अच्छा है। तुमने कॉल तो की। अरे बताया तो था कि मामू के घर गई हुई थी, अभी अभी आई हूँ, और मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया। वैसे इतनी रात को तुम्हें मेरे बजाय किसी और को कॉल करनी चाहिए थी ना। महर वो फोन अटेंड नहीं कर रहा, बहुत टेंशन हो रही है। हो सकता है उसका फोन चार्ज ना हो। इसे घर पहुंचे हुए पूरा दिन हो चुका है महर, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसका फोन चार्ज ना हो? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, तुम खुद देखो। एक इंसान जो मुझे बार बार कॉल करता था, उसका मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा।
मुझे बस ये डर लग रहा है कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी वहाँ। अरे हालात जैसे भी हों वो हैंडल कर लेगा, तुम टेंशन मत लो। और वो कौन सा उसे जान से मार देंगे, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, मना लेगा वो ना। और हो सकता है कि वो उनके मान जाने का इंतजार कर रहा हो। साईं विश के सब ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और देखना 2 से 3 दिन में वो अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर पर होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं है, हमने उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अरे बाजी, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? रमशा कहाँ है? अरे अकेली लगी हुई थी, मेरी बच्ची सारे घर का काम कर लेते, थक गई होगी बेचारी। हाँ रहने दो, कुछ ही दिनों की बात है। कश्यप हाथ बटाएगी ना तुम्हारा। खाओ बेटा। खा ले। वालेकुम अस्सलाम। आदिया कहाँ है? किसी ने बुलाया नहीं उसे? अरे बेटा उसका नाश्ता रमशा दे आएगी, तुम नाश्ता करो। मैं वहीं जा रही थी। तुम्हें क्या जरूरत है, मैं खुद लेके चला जाऊंगा। अरे रहने दे बेटा, वो खुद दे आएगी ना। मेरा इंतजार करी होगी, मैं उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। तो मुझे बड़ा दर्द उठता है ना उसके लिए, इसके दिल में, उस मनुष्य के लिए। कश्यप बेटा जरा सी भी ढील नहीं देना इसे, मुट्ठी कस के बंद रखना ताकि कहीं से वो निकल ना सके आदिया के पास जाने के लिए। समझ में आई? खा। मैं आती हूँ। हैरान बाद में होना, पहले आके नाश्ता कर। अब इसी तरह देखती रहोगी, आके नाश्ता भी करोगी। चलो जल्दी से। हेलो। साथी मेरी तरफ इस तरह ना देख कि मैं खुद से नजर ही ना मिला सकूं। तुम्हारे बगैर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अंदर आ जाती हूँ, हम सब साथ नाश्ता कर लेते हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। रुको कश्यप, यहाँ आकर बैठ। हैरान बाद में होना, पहले नाश्ता कर लो।
लड़कों की खामोशी हजम नहीं हो रही मुझसे। जरूर कोई तूफान लेकर आएगी उनकी चोट। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हानिया। हाँ? आप माहीन, मैंने संडे में नमक डाला था। तुम बना रही हो तुम्हें पता होगा। अच्छा मैं चेक करती हूँ। ऊपर फीका है हानिया, हट जाओ मैं करती हूँ। माहीन, हानिया, अरे तुम दोनों अभी तक बातें कर रही हो और वहाँ तुम्हारे अब्बू नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट दे दे अम्मी, मैं अंडा फ्राई करके अभी ला रही हूँ। 5 मिनट 5 मिनट ये सुबह सुबह कौन आ गया? जाओ हानिया जरा देख, जाओ। अरे जाओ ना, काम छोड़ो, जल्दी करो, अंडा भी बना नहीं रही सही तरह, जल्दी बना के। इतनी गर्मी। फैजान, फैजान उठो, उठ जाओ। क्या हुआ? बाबू की तबीयत तो ठीक है ना? फूफो आई है। क्या? फूफो क्यों आई है? मुझे क्या पता, उठ जाओ जल्दी से। भाईजान, मैं आपको मनाने के लिए आई। ने बेटे से इतनी इज्जत अफजाई करवाने के बाद किस मुंह से आई हो तुम? बेटे की वजह से ही आई हूँ। आपको नहीं पता आपके जाने के बाद कितना फूट फूट के रो दिया। उसकी बस एक ही जिद थी कि किसी तरह से आपको मना लूं। मैं आपसे हाँ कराए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे इसरार करने पे मैं उसे माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन इस शादी के लिए मैं कभी राजी नहीं हूँ। क्या कर रही हो तुम? भाईजान, अगर आपको मनाने के लिए मुझे आपके पांव भी पड़ना पड़े तो मैं नहीं झिझकूंगी। सबीना, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो तुम लोगों के पास खुद आएगा माफी मांगने के लिए, और उससे जो गलती पहले हो चुकी है मैं वादा करती हूँ कभी दोबारा नहीं होगी। भाईजान, मैं बड़ी आस लेके आपके पास आई। मान जाए बड़ों का मामला नहीं है अम्मी, ये मामला मेरी छोटी बहन का है और मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, और ना ही अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से उन्हें दे सकता हूँ जिससे बड़ों का लिहाज ही नहीं है।